इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस ऑफिस एमसीक्यू हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट और एक्सेस 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार रिपीट किए गए हैं आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है चलिए एक-एक करके आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फर्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट आ वैलिड वर्जन ऑफ एम एस ऑफिस इनमें से कौन सा एम एस ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर ऑफिस विस्टा ये एम एस ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर पहले से पता है वीडियो को पोस्ट कीजिए और कॉमेंट में लिखते चलिए नेक्स्ट है एम एस वर्ड इज एन डैश सॉफ्टवेयर एम एस वर्ड जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एम एस वर्ड विच फाइल स्टार्ट एम एस वर्ड इनमें से कौन सी फाइल है जो एम एस वर्ड को स्टार्ट करती है करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर विन वर्ड डॉट एक्सटेंसन आप अपने कंप्यूटर में प्रेस कीजिएगा विंडो प्लस आर उसे रन कमांड कहते हैं और उस बॉक्स में आप लिखेगा विन वर्ड और इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपका एम एस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा वट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज इन एम एस वर्ड टू थाउजेंड सिक्सटीन डॉक्यूमेंट और अबब जो हमारा एम एस वर्ड दो हजार सोलह हो या इससे ऊपर का हो उसमें जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो कौन सा यूज किया जाता है आप जैसे ही न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कीजिएगा तो वहां पे देखिएगा आपको मिलेगा थर्ड नंबर कैलेब्री ये ऑटोमेटिकली रहता है आप उसके बाद फिर कोई भी चेंज कर सकते हैं टाइम्स न्यू रोमन एरियल कुछ भी लेकिन डिफॉल्ट थर्ड नंबर ही रहता है वट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट इन एम एस वर्ड टू थाउजेंड सिक्सटीन और अबब अब पे उस फ़ॉन्ट का साइज पूछा जा रहा है कि जो डिफॉल्ट साइज होता है वो कितना होता है तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर होता है ये डिफ़ॉल्ट रहता है उसके बाद आप कितना भी चाहे तो बढ़ा सकते है, सकते हैं हैं। घटा डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट अब यहाँ पे क्या पूछा कि जो भी हमारा वर्ड सारा वर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर डोट डी ओ सी एक्स इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स मतलब ओपन ओपन डायलॉग बॉक्स करने का शॉर्टकट की क्या होता है करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर कंट्रोल प्लस एफ टूएल द एफ टूल की इज यूज टू ओपन जो हमारा फंक्शन की एफ टूएल्व होती है वो किस लिए यूज की जाती है जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में F12 प्रेस कीजिएगा तो वहां पे आप देखिएगा का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इट मीनस करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर वट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार अब यहाँ पे क्या पूछा जो हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार होता है उसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सबसे छोटा और सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज क्या होता है करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर सबसे छोटा होता है एट और सबसे बड़ा होता है सेवेंटी टू ये ऑलरेडी दिया रहता है इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेव आ डॉक्यूमेंट आप एम एस ऑफिस में कहीं पे भी काम कर रहे हो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट अगर आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप कितने तरीके से कर सकते हैं चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं फर्स्ट है आप फाइल और ऑफिस टैब पे या बटन पे जाके कर सकते हैं सेकेंड आप कंट्रोल प्लस एस जैसे ही प्रेस करेंगे आप वहाँ से कर सकते हैं थर्ड है एफ़ फंक्शन की जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो F12 क्या होता है सेव एस का डायलॉग बॉक्स ओपन करता है वहाँ से भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं तो अब आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा थर्ड होगा ए नंबर सही है वट इज द शॉर्टकट फॉर स्पेलिंग चेक इन एम एस डॉक्यूमेंट इस क्वेश्चन को समझिए जब आप अपने एम एस वर्ड पे कोई भी स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो उसके नीचे रेड या ग्रीन कलर की जो अंडरलाइन आती है उसे आप चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर एफ सेवन फंक्शन की का आप यूज़ करेंगे इसका यूज़ करके इस काम को आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं अगर आपको पहले से पता था तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं तो इसका यूज़ आप जरूर कीजिएगा इसके बारे में मैंने शॉर्टकट की के वीडियो में भी बताया है लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप देख लीजिएगा पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर जो हमारे एम एस वर्ड में आप देखते हैं पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स का ऑप्शन होता है उसे क्या कहते हैं क्या है पेज ओरिएंटेशन पेज साइज पेज लेआउट ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर उसे कहते हैं पेज ओरिएंटेशन व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल अगर आप कॉपीराइट सिंबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करके इस काम को कर सकते हैं करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी का यूज करके आप कॉपीराइट सिंबल सिम्बल को क्रिएट कर सकते हैं व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड टेबल एमएस वर्ड टेबल में मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितनी होती है तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर वन रो एंड वन कॉलम ठीक है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन इंस वर्ड टेबल वर्ड की जो टेबल होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने देखिये थर्टी फाइव फिफ्टीन सिक्सटी थ्री सिक्सटी फाइव करेक्ट आंसर होगा सी नंबर सिक्सटी थ्री होती है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फोन डायलॉग बॉक्स अब यहाँ पे क्या पूछा फोन डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर कंट्रोल प्लस डी इसका यूज आप जरूर कीजिएगा बहुत ही काम की शॉर्टकट की है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अब यहाँ पे आपसे पूछा फाइंड और रिप्लेस की जो डायलॉग बॉक्स होता है उसका शॉर्टकट की क्या होता है करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर कंट्रोल प्लस जी आप सोच रहे होंगे कि कंट्रोल प्लस जी तो गो टू का शॉर्टकट की है लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा रिप्लेस और फाइंड और गो टू ये तीनों एक ही डायलॉग बॉक्स में रहते हैं आप चाहे फाइंड का शॉर्टकट की प्रेस करें रिप्लेस का शॉर्टकट की प्रेस करें टू का शॉर्टकट की प्रेस करें आप तीनों काम को एक ही जगह से कर सकते हैं एक ही डायलॉग बॉक्स से कर सकते हैं विच शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ इन एम एस वर्ड अगर आप एमएस वर्ड में न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करके या फिर किस की का यूज करके आप काम करेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा सेकेंड नंबर एंटर की जैसे ही आप प्रेस करते तो क्या होता है आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं सिलेक्टिंग टेक्स्ट मींसलेक्टिंग वर्ट अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है अ वर्ड एन इंटायर सेंटेंस होल डॉक्यूमेंट या फिर एनी ऑफ द अबब करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर एनी ऑफ द अबब आप जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हो वो एक वर्ड भी हो सकता है इंटायर सेंटेंस भी हो सकता है और होल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है इसीलिए आप करेक्ट आंसर पे लगाएंगे एनी ऑफ द अबब वेब एड्रेस एज इनमें से कौन सा करेक्ट होगा फोर्थ नंबर करेक्ट है अंडरलाइन एंड कलर्ड ब्लू जब हमारे किसी भी टेक्स्ट पे हम हाइपर लिंक क्रिएट कर लेते हैं तो उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाती है और उसका कलर ब्लू हो जाता है वो वेब एड्रेस का जैसा दिखता है उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर वर्ड से कोई भी फाइल आप अटैच किए हो वो ओपन हो जाती है बोल्ड इटैलिक रेगुलर आर एज बोल्ड इटैलिक और रेगुलर जो होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर फ़ॉन्ट स्टाइल्स ये सभी फ़ॉन्ट स्टाइल्स के अंडर में आते हैं बोल्ड इटैलिक और रेगुलर सीमर स्पार्कल टेक्स्ट ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एक्सेट्रा आर एज ये सभी किस नाम से जाने जाते हैं करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर टेक्स्ट एफेक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं ये इसलिए आपको टेक्स्ट एफेक्ट टाइप में मिल जाते हैं जिसका सिंपली मतलब होता है एनिमेशन जो हम किसी भी टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्जर इनमें से कौन सी की है जो किसी भी करेक्टर या आप कह लीजिए अल्फाबेट को कर्जर के राइट right साइड से डिलीट करती है करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर डिलीट की आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो करके देखिएगा वो कर्जर के राइट right साइड से किसी भी टेक्स्ट को वो डिलीट करती है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट इनमें से कौन सा है जो स्पेलिंग एरर अगर होता है तो उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर ऑटो करेक्ट अगर आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन को इनेबल करके रखेंगे अपने कंप्यूटर में अगर आप कोई भी स्पेलिंग को रोंग लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा करेक्ट हो जाएगा तो इससे क्या होता है जो हमारा स्पेलिंग एरर का चांसेस ज़्यादा रहता है वो कम हो जाता है डैश फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे लेटर्स नंबर्स पंक्चुएसन मार्क्स एंड सिम्बल्स अपेयर ऑन द स्क्रीन इन प्रिंट करेक्ट आंसर क्या होगा सेकेंड नंबर करेक्टर करेक्टर फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस करेक्टर फॉर्मेटिंग एक प्रोसेस है जो क्या करता है चेंज करता है वे लेटर्स नंबर्स मार्क्स एंड ठीक है व्हाट इज द यूज ऑफ ओल कैप्स फीचर इन एमएस वर्ड ओल कैप्स फीचर का एम एस वर्ड में क्या यूज है करेक्ट आंसर हम आपको सीधे बताते हैं फर्स्ट नंबर इट चेंजेस ऑल सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर अगर आप सब जितने भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखेंगे ऑल कैप्स क्या करेगा उसे कैपिटल लेटर में चेंज कर देगा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है ट्वेंटी सेवन थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप इसे ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप एग्जाम में पक्का गलती करके आएंगे देखिए अपर केस ऑन चेंज केस डायलॉग बॉक्स एंड ऑल कैप्स ऑन फोन्ट डायलॉग बॉक्स बोथ कन्वर्ट्स सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर्स क्या बोला अपर केस और ऑल कैप्स दोनों क्या करता है हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करने का काम करता है अब फिर क्या पूछा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर चेंज केस मेक कन्वर्जन परमानेंटली क्या बोला चेंज केस जो होता है वो कन्वर्जन को परमानेंटली कर देता है बट ओल कैप्स ऑन फोन्ट कैन ऑलवेज बी रिवर्टेड अब इसे समझिए अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके चेंज केस डायलॉग बॉक्स में जाके अपर केस से अगर आप उस टेक्स्ट को कैपिटल करते हैं फिर अगर आपको उसे स्मॉल करना है तो उसी ऑप्शन पे जाके अगर आप अपर केस पे क्लिक करेंगे तो वो स्मॉल नहीं होगा लेकिन अगर आप ऑल कैप्स का यूज़ करके उस टेक्स्ट को कैपिटल करते हैं फिर से अगर आपको उसे स्मॉल करना है तो आप अगर उसे सिलेक्ट करके फिर से उसी ऑप्शन पे जाएंगे तो वो स्मॉल हो जाएगा तो यही दोनों में डिफरेंस है दोनों कैपिटल करने का काम करता है लेकिन ये छोटा सा डिफरेंस है उम्मीद करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं वॉट हैपन्स इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस एट अगर आप इस शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या इफेक्ट होगा देखिए सेकेंड होगा करेक्ट इट एक्टिवेट्स रेक्टेंगुलर सेलेक्शन ठीक है टू डिस्प्ले मोर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन इन प्रिंट लेआउट व्यू द डैश कैन बी हीडन इनमें से कौन सा हिडन रहेगा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबब फर्स्ट है वाइट स्पेस एट द टॉप ऑफ द पेज ये हिडन रहेगा सेकेंड है वाइट स्पेस एट द बॉटम ऑफ द पेज ये भी हिडन रहेगा ग्रे स्पेस बिटवीन पेजेस ये सभी हिडन रहेंगे वट इज द गटर मार्जिन अब क्या पूछा गटर मार्जिन जो होता है कंप्यूटर में वो क्या है करेक्ट आंसर होगा इनमें से थर्ड नंबर मार्जिन दैट इज एडेड टू द साइड बाइंडिंग सॉरी बाइंडिंग साइड ऑफ पेज वेन प्रिंटिंग जब हम अपने किसी भी पेज को प्रिंट करते हैं जिस साइड से हम उसे बैंडिंग करते हैं उस साइड को हम गटर मार्जिन कहते हैं ठीक है गटर पोजिशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजिशंस अब क्या बोला उस गटर पोजीशंस को हम किन किन जगह पे सेट करते हैं लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट एंड टॉप लेफ्ट एंड बॉटम लेफ्ट ओनली करेक्ट आंसर क्या होगा सेकंड नंबर लेफ्ट एंड टॉप में हम इस पोजीशन को सेट करते हैं किस पोजीशन को गटर पोजीशन को आ डॉक्यूमेंट इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन प्रिंट्स जो अगर हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में हो तो वो प्रिंट होगा तो देखिए क्या कह रहा है लेस करेक्टर्स पर लाइन देन द सेम डॉक्यूमेंट इन लैंडस्केप्स आप समझ ही गए होंगे पोर्ट्रेट में होगा तो क्या होगा पर लाइन हमारा वर्ड कम रहेगा लेकिन अगर वही डॉक्यूमेंट को हम लैंडस्केप में प्रिंट करेंगे तो पर लाइन हमारा वर्ड जो है वो ज़्यादा रहेगा विच टैब हैज्रो बटन MS Word 2016 इन एम एस वर्ड टू थाउजेंड सिक्सटीन और अब इनमें से कौन सा टैब है जिसमें क्रॉप बटन होता है या तो वर्ड टू थाउजेंड सिक्सटीन हो या इससे ऊपर का हो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर फॉर्मेट में आप कोई भी इमेज लीजिएगा अगर आपको उसे क्रॉप करना है तो आपको फॉर्मेट में जाके क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा आप वहाँ से कर सकते हैं वट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन एम एस वर्ड अब यहाँ पर पूछा कि जो हमारा एम एस वर्ड है उसमें मैक्सिमम स्केल परसेंटेज कितना अवेलेबल है करेक्ट आंसर होगा डी नंबर फाइव हंड्रेड इससे ज़्यादा नहीं है आप इसे जरूर एक बार चेक कीजिएगा इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द एम एस वर्ड में जो होता है उसमें जो मेलिंग होता है मेलिंग आपने देखा होगा मेल मर्ज उस लिस्ट को किस नाम से जानते हैं करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर डेटा सोर्स ठीक है व्हाट इज नॉट अ डेटा सोर्स कंपोनेंट अब क्या पूछा कि डेटा सोर्स कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर मेल मर्ज टूल बार वो डेटा सोर्स कंपोनेंट में नहीं आता है टू कैंसल अ जॉब दैट इज़ प्रिंटिंग और वन दैट इज़ वेटिंग टू बी प्रिंटेड अब यहाँ पे पूछा कि जो भी हमारा प्रिंटिंग हो रहा है या प्रिंटिंग के लिए वेट कर रहा है उस टास्क को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे डबल क्लिक द प्रिंटर आइकन ऑन द टास्क बार हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो टास्क बार होता है वहाँ पर जो प्रिंटर का आइकन रहेगा आप उस पर डबल क्लिक कीजिएगा उसके बाद वहां से आप कैंसल कर सकते हैं जो प्रिंट हो रहा है या जो प्रिंट होने के लिए वेट कर रहा है दोनों को ठीक है पेज अप की पेज अप की जो होता है उसका क्या काम है करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर मूव द करजन वन स्क्रीन अप क्या समझे वन स्क्रीन अप होगा पेज अप की का यूज करेंगे तो अब देखिए इसी से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन कंट्रोल प्लस पेजप इज़ यूज टू अब कंट्रोल प्लस पेजअप जो होता है वो किस लिए यूज होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर मूव्स द कर्जर वन पेज अप उसका क्या था वन स्क्रीन अप और ये होगा वन पेज अप इसी तरह से अब देखिए यूज पेज डाउन की का पेज डाउन की का क्या यूज है करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर मूव्स द कर्जर वन स्क्रीन डाउन डाउन की है तो क्या करेगा काम वन स्क्रीन डाउन करने का आप अब देखिए है कंट्रोल प्लस पेज डाउन अगर कंट्रोल के साथ में डाउन प्रेस करते हैं तब क्या काम होगा करेक्ट आंसर होगा कर्जर वन पेज डाउन तो आपको यही ध्यान रखना है अगर आप सिंपली पेज डाउन की का यूज करेंगे तो वन स्क्रीन डाउन जाएंगे लेकिन अगर उसी की को कंट्रोल के साथ में प्रेस करेंगे तो वन पेज डाउन होगा ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का टाइप नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर सेंटर हमारा सेंटर में पेज मार्जिन नहीं होता है लेफ्ट राइट right और टॉप में होता है वट इज द मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर आप जो भी करेक्टर लिखते हैं उसका मैक्सिमम फॉन्ट साइज आप कितना रख सकते हैं कितना अप्लाई कर सकते हैं करेक्ट आंसर होगा बी नंबर सिक्सटीन थर्टी एट सोलह सौ अड़तीस ये मैक्सिमम है इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है एम ऑफिस में तो ये था मैक्सिम फोन साइज अब अगर क्वेश्चन यही हो लेकिन आपसे पूछे कि मिनिमम फॉन्ट साइज हम कितना सेट कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर में तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर वन आप वन कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम सोलह इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में कई बार रिपीट किए गए हैं तो इनको आप जरूर याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ बुकमार्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुक मार्क का क्या यूज़ है करेक्ट आंसर होगा टू क्विकली जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट अब इसे थोड़ा सा समझ लीजिए अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में बुक मार्क का यूज़ करते हैं उसके बाद आप क्लोज कर दीजिए फिर सेकेंड डे आप जब उस डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिएगा आप उसी बुक मार्क से आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा जहाँ पे आपने लास्ट डे छोड़ा था इसे मैंने शॉर्टकट की के वीडियो में डिटेल में बताया है कि कैसे आप बुक मार्क यूज करेंगे तो आप उसे देख लीजिएगा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू चेंज यूजिंग द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स इनमें से किन किन चीज़ों को हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से चेंज कर सकते हैं करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑल ऑफ द अबब इन सभी चीज़ों को आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से मार्जिन को चेंज कर सकते हैं पेज ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं इसीलिए ऑल ऑफ द अब करेक्ट होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड अब इनमें से कौन सा लेटेस्ट वर्जन है एमएस वर्ड का तो करेक्ट आंसर होगा वर्ड 2019 ठीक है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर यू कैन सेट डिफरेंट हेडर एंड फूटर फॉर लास्ट पेज ऑफ अ सेक्शन ये आप नहीं कर सकते हैं हेडर फूटर जो होता है अगर आप उसे चाहेंगे कि आप लास्ट पेज के सेक्शन में अलग करें तो आप इस काम को नहीं कर सकते हैं इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए द मेन एलिमेंट ऑफ द डैश आर द इंस्ट्रक्शंस पॉइंट मार्क माउस पॉइंटर रूरल्स स्क्रोल बार्स एंड स्टेटस बार करेक्ट आंसर क्या होगा थर्ड नंबर वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो अब इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए तब आपको समझ में आएगा देखिए द मेन एलिमेंट ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो आर द इंस्ट्रक्शन पॉइंट मार्क, माउस पॉइंटर रूरल्स स्क्रोल बार एंड स्टेटस बार ये सभी वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो के मेन एलिमेंट्स है ठीक है आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच फीचर्स विल यू यूज अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट के वर्जन को ट्रैक करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा फीचर को यूज़ करके आप इस काम को करेंगे करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर वर्जनस का यूज करके आप इसे कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें